हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओ ई एस एफ फैमिली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम मोहम्मद सदीक अवान। और मैं हूं मिसेस वकास। भाई लेकर हाजिर हुए आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका लिंक हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। आज की जो वीडियो है वो मैं अब्बू को शॉर्ट सा बता देता हूँ। अब्बू, आज से पहले हमने आपने मेट्रो देखी होगी, मेट्रो ट्रेन जो पटरी पे चलती है। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि ऐसी मेट्रो भी है जो पानी में चलती है, वाह क्या। तो आज हम मेट्रो ट्रेन देखने वाले हैं पानी की, और फिर मैं आगे बताऊंगा इसकी खासियत क्या है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में आपने मेट्रो की सवारी जरूर की होगी, लेकिन आज हम आपको लाए हैं ऐसा मेट्रो दिखाने जो उन बाकी मेट्रो से अलग है। हम इस समय हैं केरल के कोच्चि शहर में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन है, हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन है। लेकिन ये सामान्य मेट्रो स्टेशन नहीं बल्कि वाटर मेट्रो स्टेशन है। कोच्चि में इसी साल अप्रैल में पहला, भारत का पहला या कहिए एशिया के पहले वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई। इसे आसपास के सभी आइलैंड्स को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। शुरुआत में 4 स्टेशनों से इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन आगे चलकर इसे कोच्चि के सभी आइलैंड्स और उन जगहों पर जहाँ पर जेटी और फेरी का इस्तेमाल होता है उनसे जोड़ने की प्लानिंग है। आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन है, और हाईकोर्ट वाटर मेट्रो स्टेशन है। आपको लिखा भी दिख रहा होगा वाटर मेट्रो कोच्चि। वाटर मेट्रो कोच्चि में पहले से ही जो है मेट्रो रन करती है, और ये वाटर मेट्रो भी अब इस साल से शुरुआत हो चुकी है। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये मेट्रो उस मेट्रो से कैसे अलग है और क्या यहाँ की खासियत है। हम वाटर मेट्रो के अंदर आ चुके हैं। ये एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से आपको टिकट लेना होगा। अगर आपको कार्ड बनवाना है तो आप इधर बनवा सकते हैं, और ये जैसे बाकी मेट्रो में एंट्री होता है उसी तरह से यहाँ पर भी एंट्री पॉइंट है। आपको यहाँ से कार्ड या टोकन दिखाना होगा, फिर आप अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर टोकन ले सकते हैं, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कार्ड मिलेगा। और हमने फाइनली ये कोच्चि मेट्रो का कार्ड बनवा लिया है, और ये सामने गेट है। और इसके लिए मुझे टोटल 400 रुपये पे करने पड़े हैं, और मुझे इसमें लगभग 150 रुपये के आसपास इसमें डिपॉजिट मिला है, बाकी इस कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज वगैरह है। अब हम इस कोच्चि मेट्रो का कार्ड लेने के बाद आइए सफर को शुरू करते हैं। ये कुछ कार्ड इस तरह का है, ये मतलब दिया है लोगों ने, तो आइए आप सफर को शुरू करते हैं। ये कुछ मेट्रो स्टेशन के अंदर का दृश्य है, और ये इस तरह से मेट्रो स्टेशन, वाटर मेट्रो स्टेशन के अंदर का दृश्य। अब इस समय हम वाटर मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गए हैं, और ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर इंतजार किया जाता है अगर जब तक आपकी वाटर मेट्रो नहीं आती है। और वाटर मेट्रो एरिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये है उसका प्लेटफॉर्म। ये आपको इधर से दिख रहा होगा, अभी हम पास से दिखाएंगे। ये है प्लेटफॉर्म जहाँ पर वाटर मेट्रो आती है, और ये उसका वेटिंग एरिया है जहाँ पर हम बैठे। पूरे पूरे घुमाइए, इधर घुमाकर दिखाइए। ये उसका वेटिंग एरिया है जहाँ पर जब तक मेट्रो नहीं आएगी लगभग तब तक आपको वेट करना होगा। इधर बैठने की उस फैसिलिटी है। 15 मिनट के बाद एक वाटर मेट्रो आती है। अभी वाटर मेट्रो आएगी तब हम आपको दिखाएंगे कि वाटर मेट्रो अंदर से कैसे दिखती है और कैसे उसमें यात्रा करते हैं। और ये वो वाटर मेट्रो जो प्लेटफॉर्म है, और ये वाटर मेट्रो जो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है। जब अनाउंसमेंट किया जाए तब आपको इस तरह से लाइन लगाना होता है क्यू, यानी कि अगर बताया जाए कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है तभी आपको प्लेटफॉर्म पर जाना होता है, और तब इस तरह से क्यू लगाना होता है। और ये वाटर मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर लग रही है, आपको और थोड़ा करीब से दिखाएं तो और अब हम वाटर मेट्रो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा वाटर मेट्रो है, आप देख सकते हैं। वाटर मेट्रो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है।
ये इधर डेक और इधर जो है ये एरिया, ये पूरा एरिया है वाटर मेट्रो का। वहाँ पर हम बैठ सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो खड़े भी हो सकते हैं, बट पूरा वाटर मेट्रो का इधर से अच्छा सर। और अब हमारा वाटर मेट्रो चलने को तैयार है, आप देख सकते हैं इधर चार चार फिटिंग है, 4 × 8 चार 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 ऐसी इस तरह की सीटिंग है। और यहाँ पर खड़े भी हो सकते हैं, खड़े पर भी ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ पर हैंडल लगे हुए हैं। और ये कुछ बाहर का सीनिक व्यू है, देख सकते हो बाहर के कुछ व्यू जैसे दिख रहे हैं। ये हमारा वाटर मेट्रो एक्सपर्सल हो चुका है और अभी प्लेटफॉर्म से मेट्रो रवाना हो चुकी है। इस मेट्रो में आपको सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है, आप देख सकते हैं ये लाइफ जैकेट है, इसको जस्ट ओपन यहाँ से ओपन करके और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए हमारी वाटर मेट्रो चल पड़ी है, ये जो है ये हमारा प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया, ये एरिया जो है पब्लिक के लिए नहीं है, वो जो मेंटेनेंस और जो ड्राइवर यार्ड है वो देखते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो है हमारा सफर शुरू हुआ है। हमारा स्टेशन आ गया और हम उतर चुके हैं, ये स्टेशन। ये वाटर मेट्रो का हाई कोर्ट स्टेशन है, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा भीड़ है, इस साइड खाली है लेकिन इस साइड वेटिंग एरिया बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और ये हमारे सामने वाटर मेट्रो खड़ी है उससे जिससे हम लोग वापस आए, इधर एक और वाटर मेट्रो खड़ी है। तो भाई वीडियो हो गई है कंप्लीट। और अच्छा मुझे एक ये सवाल पूछना था कि मतलब कि ये पिकनिक पॉइंट पर है या फिर मतलब कि कहीं नहीं, ये तीन चार आइलैंड है ना, वो कह रहे हैं कि वो उनको आपस में मिलाती है। अच्छा। ना कि इस शहर में मेट्रो वो दूसरी वाली भी है सही जो पटरी पे चलती है, वो मेट्रो भी है, लेकिन ये वाटर मेट्रो इसलिए है कि शायद कुछ जो ऐसे आइलैंड है उनको आपस में मिला रही है। उनका ना चार स्टेशन बने हुए, तो मतलब चार आइलैंड होंगे जिनको आपस में मिला रही होगी, और शायद वहां पे जाने के लिए बाय रोड रास्ता ना हो, या अगर हो भी तो लोग अगर या तो इसका शॉर्ट डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। पहले की थी बड़ी मतलब अच्छी बनी, मतलब के बंदा एंजॉय करके जाए, कुछ ज्यादा बैठे थक जाए तो अपना खड़े हो जाए। अच्छा मैं एक चीज ये सोच रहा था, पहले शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि ये जो पानी है जो झील टाइप की है ये शायद कोई झील है या वो, लेकिन फिर वो वहां पे मैंने पोर्ट का कुछ थोड़ा सा व्यू देखा जहाँ वो क्रेने वगैरह लगी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा ये समंदर का कुछ हिस्सा है। तो मैं सही हूँ, ये समंदर का ही हिस्सा था या झील वगैरह थी या नदी या दरिया क्या कहेंगे कि वो था। तो बाकी ओवरऑल अगर उसके अंदर ग्रीनरी भी थी, पौधे वगैरह भी, वो मतलब वो हाँ वो हाँ। असल में ना ये केरला स्टेट का सिटी है, कूची सिटी, और केरला अपनी दो चीजों में बड़ा मशहूर है जहां तक मेरी नॉलेज में है थोड़ा बहुत। एक वहां का लिटरेसी रेट जो बहुत ज्यादा हाई है, मेरे ख्याल से अबव 93 या 94% के करीब करीब वहां का लिटरेसी रेट है, कि मतलब 100 में से 93-94 लोग पढ़े लिखे लोग सही है केरला स्टेट के। और दूसरी वहां ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, और मजे की बात बताऊं मैं आपको, हमने वो वीडियो नहीं देखते, वो जो विलेज कुकिंग चैनल की अक्सर हम वीडियो देखते हैं, वो लोग भी केरला स्टेट से ही हैं। अच्छा केरला स्टेट के अंदर जो है ना वो ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। तो ये और दूसरा ये मेट्रो की अगर बात करें तो अबू क्या कहते हो, मेट्रो थी हालांकि छोटी सी, एक क्रूज शिप टाइप का था, लेकिन बड़ा मतलब अच्छी बनी हुई थी। और मैं अगर वो स्टेशन की बात करूँ ना, जो जहाँ जहाँ स्टेशन से ये निकले थे, जहाँ से राइड शुरू हुई है,
उस स्टेशन के जो पिलर बने हुए थे, आपने उसके ऊपर देखा क्राफ्टिंग कलरिंग कितनी खूबसूरत हुई हुई खूबसूरत थी वाकई में। वो मुझे बड़ा, वो मुझे पिलर्स के ऊपर जो कलरिंग थी ना, वो मुझे बड़ी प्यारी लगी पेंटिंग उसकी यार। बाकी अब्बू क्या कहते हैं, अब्बू आपको कैसा लगा, मतलब आज रोड कह रहा हूँ पटरी के बाद आप वाटर मेट्रो भी देख लिया आपने। सच्ची बात तो ये है यार, मैंने पटरी वाली मेट्रो भी देखी ये वीडियो में तो देखी ना कमल, हाँ, वीडियो में देखी, यूट्यूब पे। सफर नहीं किया। अब ये तो खुश नसीब लोग हैं, फैमिलियों के साथ समंदर के जरिए भी जाते हैं, वो अंडरग्राउंड समंदर के भी सफर कर रहे बिल्कुल हैं। सबका पता नहीं एंजॉय क्या कर क्या चीजें यार। रहे फिर भाई। वो यही कहना है ना, जैसे यहाँ हमारे यहाँ एक मुहावरा है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। तो असा भी ऐडा कुछ नहीं वेख्या, फिर असी जमे ही नहीं है। जमांगे तो फिर किधरे सफर करेंगे। बहरहाल मेट्रो भी बड़ी खूबसूरत थी अंदर से, जैसे ऐसे अगर वो बताया ना जाए कि ये मेट्रो मेट्रो तो ऐसा लगेगा है जैसे या जन्नत है। लॉन्च है या समंदर में खड़ी है, तो हम समझेंगे कुछ दफातर वगैरह है अंदर, हाँ बड़े बिल्कुल ऐसे ही बेहतरीन समझते हैं, खूबसूरत साफ सुथरे। इसी तरह स्टेशन जो है, क्या वो भी बहुत नीरे। बात है, अगर वहाँ डाक में मारने के लिए तिनका ढूंढो मिलेगा नहीं। अच्छा मजे की बात ये है कि जो पटरी पे चलने वाली मेट्रो है अब्बू, ये मुझे उससे ज्यादा खुली डुली लग रही है। अच्छी वाकई वो में थोड़ी फिर बिल्कुल भी हम कह सकते हैं यार, वो स्पेस कहीं इसमें कम था ना, मतलब कि ये उसमें ज्यादा स्पेस था, थोड़ा कम होता है, लेकिन ये काफी खुली डुली थी यार। रिलैक्स चार होके लोग इस बंदा तरह जाए बैठे हुए, अपना। चार लोग इधर बैठे हुए, और वैसे और फिर बीच समंदर में के जो खड़े होने सवाल की बात जगह। ये बताओ, समंदर खुली खुली तो समझ आ रहे हैं कि खुली थी, और ढुल्ली क्या है? ये खुली ढुल्ली डुल्ली किन्होंने कहा मतलब वी आई, है? वी तो आई पी इसका मतलब हो वी गया आई वी आई पी, पी। अच्छा यू हाँ कहो ना वी हाँ आई पी, खुली ढुल्ली। तुम तो नहीं सीधा गुजरात आ गए हो पंजाब में, खुली नहीं ढुल्ली। यार हकीकत बात है वैसे कि मतलब, पानी का जो सफर होता है ना, वो वैसे इतना अच्छा लगता है, और मेरे ठंडी हाल से ठंडी कुछ चालीस हवाएं। पैंतालीस लोगों की सिटिंग हाँ कैपेसिटी थी इसके अंदर, और व्यू सबसे बड़ी बात, बहुत सब, और क्योंकि खामोशी का सफर ये बिल्कुल तो खामोश वीडियो बैठे। बनाने वाले तो शॉर्टकट बनाते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं बंद कर देते हैं फिर। हालांकि ये पूरा अगर सफर इसमें बैठ के किया जाए तो कितना रास्ता तय करना है, कितने मनाजर भी रास्ते में कितना देखने को मजा आ रहा मिलते हैं। होगा तो ये बेचारों के पास इतना टाइम नहीं होता, ये ये शॉर्टकट शॉर्टकट रुक दिखाना। बिल्कुल रुक के असल में बनाते उनके पास टाइम की बात नहीं, अगर वो तो करने को पूरा ही बना ले, लेकिन इतना फिर लोग देखते फिर नहीं है देखते ना, नहीं, व्यूज नहीं देखने आते। वालों के पास भी टाइम कम वो है तो ना। वो हाँ, लोग कहते हैं हमें शॉर्ट वीडियो के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए, जमाना तो ही वो शॉर्ट। फिर कंटेंट क्रिएटर जितने भी होते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि भाई शॉर्ट वीडियो हो, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को दे पर सके। ये ट्रेन हमें तो बड़ी, ट्रेन है ना ये, ट्रेन वाटर मेट्रो है, ट्रेन नहीं बस बोलेंगे इसको, ट्रेन नहीं है ये। मेट्रो तरह जो भी है, बहुत हमें अच्छी लगी, और बहुत पसंद आउटस्टैंडिंग आई, थी यार, यकीन करो एक नया और कॉन्सेप्ट। और वाकई इन्होंने बहुत कहा ही कि है हैदराबाद में। हैदराबाद ये कूची है, केरला कुची, स्टेट का सिटी है कूची, कुची में अच्छा ही अच्छा है। ये कूची सिटी में। और जैसा उन्होंने वीडियो में कहा ना कि यार ये फर्स्ट टाइम इन भारत, और हकीकत में ये फर्स्ट टाइम इन एशिया, बल्कि एशिया क्या वर्ल्ड वाइड मुझे नहीं पता। क्रूज शिप टाइप का तो है, बहुत सारी है चलते हैं, लेकिन मेट्रो के नाम से मतलब इस तरह की जबरदस्त है यार ये। बारह जी केरला स्ट्रीट की ये चीज बहुत पसंद आई। हमारे कराची में तो एक करेला चुरंगी है, वहाँ चिंचियां ही चलती हैं अभी करेला भी, मोड़, करेला मोड़, करेला करेला मोड़ करेला यार, मोड़ करेले का भी एक मोड़ है, तो पता नहीं और कौन कौन से मोड़ है। वो फिर एक पंजाबी गुस्से में कहता है फिर माड़े पैसे मोड़, तो वो फिर तो चलो चले भाई, खैर वीडियो करते हैं यही पे एंड। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाइक करें, करें, कमेंट कमेंट करें, करें, शेयर शेयर करें, करें, और और चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल थैंक यू, रखिएगा, बहुत बहुत सारी सारी दुआओं दुआओं के के साथ। साथ। खुदा हाफिज। नमस्ते।